वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पेपर करने वाले क्लास 11 का और ये आपका पेपर वन रहने वाला है। इसका आज हम पार्ट वन करेंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक तरह से पूरा पेपर है ये आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 जैसा लिखा होता है। आपका 80 नंबर का हिस्ट्री का आपका पेपर होगा। 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं हम। सामान्य निर्देश को देखें तो यहाँ पे आपका बताया गया सामान्य निर्देश में प्रश्न पत्र में टोटल जो है 5 सेक्शन आपको दिखाई देंगे जिसके आपको ए बी सी डी और ई करके है। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन है वो 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य बोला गया है। अब सेक्शन वाइज यहाँ पे बताया हुआ है कि सेक्शन ए में जो आपका होगा 1 से 21 तक, ये आपके एक एक नंबर वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन निकल कर आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का मतलब है बहुविकल्पीय जिसके आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। जो सेक्शन बी रहेगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट होगा, 27 तक रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न इनके आपको जो है जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक के, यानी प्रत्येक जो है ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका आंसर बोला गया 60 से 80 शब्दों से अधिक आपको नहीं देना है। सेक्शन अगला रहेगा सेक्शन सी, इसमें आपको 28 से 30 तक जो क्वेश्चन दिखेंगे ये आपके होंगे 8-8 नंबर वाले, ये बड़े क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको 300 से 350 शब्दों से अधिक नहीं देना है। इसके अंदर आपको विकल्प भी मिलेंगे जो आगे आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस को तो वहां पे दिखाई देंगे आपको। आगे देखिए हम सेक्शन डी रहेगा आपका। सेक्शन डी बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपका 31 से 33 तक रहेगा। ये स्रोत आधारित क्वेश्चंस होंगे, इनमें जो है उप प्रश्न भी दिए गए उनमें आपको जो है उनका आंसर देना है और ये 4-4 नंबर के होंगे। आगे देखिए सेक्शन ई, सेक्शन ई आपका जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर आपका 34 जो रहेगा नक्शे पर आधारित होगा, यानी मैप के ऊपर आधारित क्वेश्चन रहेगा जो कि 5 नंबर का है, जिसमें महत्वपूर्ण परीक्षण वस्तुओं की पहचान स्थान शामिल है। मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ जो है संलग्न करना है, यानी उसी के साथ बांधना है। आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि मैप को क्या है कि हम उसके साथ ही अटैच कर देते हैं। आगे बोला गया है प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प बोला गया है कि दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में से केवल जो है एक विकल्प जो है एक का ही करना है आपको बोला गया। इसके अलावा जहां पे आवश्यक हो वहां पे जो है प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये आपका सामान्य निर्देश है, पैटर्न है और ये मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पैटर्न क्या होंगे पेपर को, किस तरह से आपको रेडी करना है अपनी तैयारी को। आगे हम देखे इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी वही है, 5 सेक्शंस होंगे ए बी सी डी एंड ई। देर आर 34 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए, सेक्शन ए जो रहेगा आपका 1 to 21 आर एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 to 27 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क ईच, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 60 to 80 वर्ड्स। सेक्शन सी, सेक्शन सी रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 to 30 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 8 मार्क्स ईच, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 300 to 350 वर्ड्स। सेक्शन डी, सेक्शन डी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 31 to 33 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन विद 3 sub questions एंड आर ऑफ 4 मार्क ईच। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 34 इज मैप बेस्ड कैरिंग 5 मार्क्स दैट इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट टेस्ट आइटम्स, अटैच द मैप विद द आंसर बुक, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस, ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्टेड। In addition to this, separate instructions are given with each section and questions wherever necessary. तो ये आपका English medium में instructions जो दिए गए ये आपका हो गया है। हम आते हैं paper की तरफ। आपका section A यहाँ से start होता है। Hindi और English दोनों ही medium में आपको करवाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे question number आपका जो है 1 से लेके जो 21 तक रहेगा ये आपका MCQ वाला question रहेगा और जो कि एक एक number के होंगे। तो सबसे पहले हम पहले questions पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो है किन, ठीक है यहाँ पे किन है, किन दो नदियों के बीच जो स्थित थी आपको बताना है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने पढ़ा होगा, ये आपका चैप्टर 2 है, जो पहला था इस समय की शुरुआत से वो आपका कट गया था, तो चैप्टर 2 दूसरा है ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा।
और मतलब चैप्टर का नाम लेखन कला और शहरी जीवन है, लेकिन उसके अंदर मेसोपोटामिया के बारे में पूरा बताया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता होती है क्या। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी सभ्यता है जो कि ग्रामीण सभ्यता है। ये जो है दो नदियों के बीच स्थित है, दजला और फरात। ऑप्शन जो घ है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, कि ये इन दोनों नदियों के बीच स्थित थी। इंग्लिश मीडियम में देखिए, द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया वॉज सिचुएटेड बिटवीन दीज टू रिवर्स, तो टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। ठीक है, इंग्लिश में टिग्रिस नाम है और यूफ्रेटस नाम है। ऑप्शन डी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इनमें से कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो हमारे जो वर्ल्ड को हम देखें, विश्व को देखें, तो बहुत सारी सभ्यता है जो प्राचीन है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है सबसे पुरानी। ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता भी है जो कि आपका जो है ये शहरी सभ्यता है, सबसे पुरानी शहरी सभ्यता है। लेकिन अगर बात यहाँ पे सभ्यता पुरानी की हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बोला नहीं गया है कि ग्रामीण हो या शहरी हो, यहाँ पे सबसे पुरानी है मेसोपोटामिया। राइट आंसर ऑप्शन ख आ जाएगा। सबसे पुरानी सभ्यता क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अगर शहरी सभ्यता ये ग्रामीण है, ये याद रखना आपको, ग्रामीण सभ्यता है सबसे पुरानी में। अगर पूछा जाए, कोई ये नहीं बोला गया ग्रामीण या शहरी, तो आपको मेसोपोटामिया पे टिक करना है। अगर बोला गया है सबसे पुरानी शहरी सभ्यता कौन सी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखिए इसी को इंग्लिश मीडियम में, विच ऑफ दीज सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन आपके सामने ऑप्शन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ऑफ चाइना और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया, ऑप्शन बी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। निम्न में से कौन सी लिपि जो है मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि थी। ठीक है, तो किलाक्षर, चित्रात्मक, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा क। ठीक है, किलाक्षर जो लिपि थी वो थी मेसोपोटामिया के लोगों की थी। इसके बाद हमने सिंधु सभ्यता अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर चित्रात्मक लिपि थी, यानी चित्रों के माध्यम से वो जो है ऐसी लिपि थी जो चित्र के द्वारा लिखी जाती थी। ठीक है, चित्र बनाया जाता था, उन्हीं के द्वारा यूज किया जाता था। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्क्रिप्ट ऑफ द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया। तो जो है कॉनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है, ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन जो बोला गया आपका, वह कौन सा साम्राज्य था जो तीनों ओर से महासागरों से घिरा हुआ था। ठीक है, राइट जो है यहाँ पे महासागर बोला गया, महासागरों से घिरा हुआ था आपको बताना है। तो रोमन साम्राज्य, आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा, इस चैप्टर का नाम भी है तीन ओर से घिरा साम्राज्य। ठीक है, तो ये आपका जो है रोमन साम्राज्य राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। बाकी यायावर साम्राज्य भी है, ब्रिटिश साम्राज्य, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका क निकल कर आ जाएगा। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 इंग्लिश मीडियम में, विच वॉज द एम्पायर विच वॉज सराउंडिंग बाय द जो है महासागर। ठीक है, ऑन ऑल थ्री साइड्स, तो रोमन एम्पायर जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो है ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा कौन सी थी। तो अंग्रेजी थी, हिंदी थी, लैटिन थी या फारसी थी। तो अंग्रेजी उस समय थी नहीं, हिंदी भी नहीं थी, लैटिन जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो ग है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लैटिन जो भाषा है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषाओं में से एक थी। आगे देखिए हम, मुख्य भाषा जो है लैटिन थी उसकी। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां इंग्लिश मीडियम में है, विच वॉज द मेन लैंग्वेज ऑफ द रोमन एम्पायर। तो लैटिन ऑप्शन सी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिनारियस का क्या अर्थ होता है। तो दिनारियस जो है उस समय जो सिक्के थे उसके लिए यूज होता है, लेकिन किस तरह के, चांदी के, सोने के, लोहे के या तांबे के सिक्के। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन का, चांदी के सिक्कों की यहाँ पे बात हो रही है। दिनारियस का जो प्रयोग है वो चांदी के सिक्कों के लिए किया जाता था। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिनारियस, तो सिल्वर कॉइन। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, मंगोल साम्राज्य की स्थापना के जो शासक है वो कौन थे, आपको बताना है किसने की थी मंगोल साम्राज्य की स्थापना। तो आप जानते होंगे चंगेज खान के बारे में, आपने पढ़ा होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन का, चंगेज खान, जिसने जो है मंगोल साम्राज्य की स्थापना करी। ये बहुत ऐसा शासक था जो क्रूर था साथ ही, लेकिन ये एक ऐसे शासकों में आया जिसने अपना जो वर्चस्व है बहुत दूर तक फैलाया। ठीक है, एक क्रूर तो था ही, लेकिन इसने अपना वर्चस्व जो है बहुत दूर तक फैलाया, तो चंगेज खान जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में हम आगे देखें, द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय, जो है राइट आंसर ऑप्शन ए चंगेज खान जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें,
मंगोलों के जो मंगोलो है ठीक है, मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु के बारे में पूछा गया कौन थे, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा हूण। हूण जो थे वो मंगोलों के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुरु थे। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हु वाज द पॉलिटिकल एंड कल्चरल मास्टर ऑफ जो है मंगोलिया ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा हूण, ऑप्शन जो ए है वो आठवें का आपका राइट हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नौवे की तरफ, इनमें से कौन सा पशु जो है मंगोलों को जो है सबसे ज्यादा प्रिय था, गाय घोड़ा हाथी या कुत्ता, तो घोड़ा। आपने ये भी सुना होगा जो आपका चंगेज खान है जो आपने पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छा घुड़सवार भी था ठीक है, बहुत अच्छी घुड़सवारी भी वो किया करता था, और उसकी सेना में भी जो है घुड़सवार सैनिक थे जो कि उसकी सेना में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते थे, तो घुड़सवार में जो है घोड़े की जरूरत होती है, जैसे घोड़ा इनका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन खा, ये इनका सबसे प्रिय जो पशु था वो ये था। इंग्लिश मीडियम में देखिए, अगर हम नौवे क्वेश्चन को, विच ऑफ दीज एनिमल्स वॉज द मोस्ट लव्ड बाय द मंगोल्स, तो राइट आंसर आपका जो हॉर्स आ जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दसवें की तरफ, क्वेश्चन नंबर दसवा है आपका, कृषक के द्वारा यानी किसान जो है उसके द्वारा चर्च को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता था, किस कृषक जो था वो उसको जो है भूमि का टुकड़ा देना पड़ता था किसको, चर्च। चर्च क्या था, आपने वो देखा होगा मतलब जैसे जो बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे क्या है क्रिश्चियन लोग हैं ठीक है, तो उनके जैसे उनको जो भी उनकी पूजा अर्चन जो भी होती है तो उनका चर्च होता है जहां पे वो पूजा करते हैं ठीक है। मैं अपनी भाषा में इसलिए पूजा का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके धर्म में उनको क्या कहा जाता है ठीक है, चर्च मेरे को ये याद है कि चर्च कहा जाता है, तो हमारे यहाँ तो मंदिर कहा जाता है और मुस्लिमों में मस्जिद कहा जाता है, तो उनका ऐसे ही चर्च होता है, तो वो सब क्या करते थे चर्च को जो है भूमि का टुकड़ा जो है दिया जाता था तो वो क्या कहलाता था, तो वो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर दसवा है उसका ऑप्शन नंबर जो है ख, टीथ जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, टीथ कहलाया जाता था। आगे देखिए इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, व्हाट वाज द पीस पीसेस ऑफ लैंड गिवन बाय द फार्मर टू द चर्च कॉल्ड, जो है राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी टीथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, यूरोप में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थापित हुए थे, तो आपके सामने ऑप्शन है इटली पुर्तगाल फ्रांस या स्पेन, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन का, इटली में सबसे पहले जो है जो विश्वविद्यालय है वो स्थापित हुए थे, और ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इटली में ही क्यों हुए स्थापित, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो सबसे पहले विश्वविद्यालय वहां पे क्यों स्थापित हुए तो आप पढ़ेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस मैं जरूर लेकर आऊंगा 8 नंबर वाले में। क्वेश्चन नंबर 11 को ही अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, वेयर वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा इटली में। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, सामंतवाद की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस किस प्रकार की थी, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था इसमें होती है कि आप व्यापार कर सकते हैं दूसरे देशों से माल लाकर जो है किसी भी देश में जाकर बेच सकते हैं, तो ये खुली अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था यानी आप जो है दूसरे देशों का जो है सामान ला के यहाँ पे बेच नहीं सकते, बंद अर्थव्यवस्था रहती है, देश के अंदर ही जो है सामान बिकता है। निर्वाह अर्थव्यवस्था, निर्वाह मतलब होता है कि घर चलाने, मतलब अपने जो है सिर्फ घर चलाना है आपको, खाने पीने वाली अर्थव्यवस्था या जीवन निर्वाह करने वाली अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन ग निकल कर आ जाएगा, सामंतवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, राइट आंसर आपका ऑप्शन ग निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट वाज द टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑफ जो है फेडरलिज्म, तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा जो है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, भारत ईरान चीन या जापान, तो चीन के द्वारा जो है ये जो सबसे पहले जो है कागज का आविष्कार इन्होंने किया, वैसे इन्होंने इसके और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई आविष्कार किया है, इन्होंने दूसरों का कॉपी ही किया है, आप देखेंगे बहुत सारे इनके पास देखेंगे आप जो है ये आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है कि ये अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इन्हें देखेंगे ना ध्यान से तो हर चीज इन्होंने जो है, जैसे अपना इनके पास जो है गूगल भी नहीं है, मतलब अपने दूसरों के जो देश बनाते उनको अपने देश में ही कॉपी कर लेते हैं ठीक है, अपने देश में ही कुछ ना कुछ इन्वेंट कर लेते हैं उन्हीं का कॉपी करके, तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे ऐप दिखेंगे आपको, तो ये चीन के द्वारा कागज का आविष्कार किया गया, लेकिन ऐसे आपको जो है इसके अलावा बहुत ही कम आविष्कार दिखेंगे ना के बराबर जो इन्होंने खुद किए हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच कंट्री वॉज पेपर जो है फर्स्ट इन्वेंटेड, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी चाइना आ जाएगा।
दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है, दूरबीन जिससे आप देख सकते हैं बहुत दूर की चीजों को, आप जो है क्लियर देख सकते हैं, यानी आप और जो है साफ देख सकते हैं, गैलीलियो, गुटेनबर्ग, मेकियावली या माइकल। तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका गैलीलियो, ऑप्शन का जो है, इन्होंने जो है दूरबीन का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 14 ये अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, ठीक है, तो गैलीलियो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं, जो धर्म सुधार आंदोलन था उसके जन्मदाता के बारे में बोला गया, तो धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, इसके जन्मदाता जो है वो मार्टिन लूथर को कहा जाता है, ऑप्शन क, ठीक है। इनके आज भी जो है इनके द्वारा कई सारी किताबें लिखी गई, उनको पढ़ा जाता है, इन्होंने बहुत जो सबसे पहले शुरुआत करी वो मार्टिन लूथर किंग ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ही देखें इंग्लिश मीडियम में, हु वॉज द फादर ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, तो मार्टिन लूथर ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? तो ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कि एशिया की खोज या भारत की खोज किसने करी, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे पहले जो है लोग नहीं रहा करते थे, पूरा एक वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड में कई सारी आप जो है यहाँ पे कॉन्टिनेंट आप पढ़ते हैं, महाद्वीप पढ़ते हैं, तो इसमें टोटल जो है 7 महाद्वीप है, ठीक है, 7 है, तो 7 में ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जाके किसी और महाद्वीप को खोजा तो उस पर लोग नहीं रहा करते थे, रहते थे, लेकिन इन्होंने एक खोज करी कि यहाँ पे भी लोग रहते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी? आपके सामने ऑप्शन है, कार्टेज ने, पिजारो, मार्कोपोलो या कैप्टन कुक, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन घ निकल कर आ जाएगा, कैप्टन कुक, ठीक है। कहीं कहीं इसका आंसर कुछ अलग भी देखने को हमें मिलता है, हु डिस्कवर डिस्कवर जो है ऑस्ट्रेलिया, तो कैप्टन कुक ऑप्शन डी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। गोल्ड रश से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17, गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो गोल्ड रश था क्या? गोल्ड रश वो था जिसके अंदर जो है जो जमीन जो कैलिफोर्निया है, राइट आंसर आएगा, कैलिफोर्निया में होता क्या है कि जमीन के अंदर या छोटे जो है सोने के अंश मिलने लग जाते, तो ये खबर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, तो धीरे धीरे लोग क्या है जो है गाड़ियों से ट्रेनों से भर भर के जो है कैलिफोर्निया की तरफ आते हैं कि वो भी क्या है जल्दी अमीर बन जाएंगे, तो कैलिफोर्निया जो है यहाँ पे पाया जाता है, गोल्ड रश जो है यहाँ से संबंधित है। आगे देखिए हम इंग्लिश मीडियम में, गोल्ड रश इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ अमेरिका? तो कैलिफोर्निया ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, सिडनी कहाँ पर उपस्थित है? तो ये क्वेश्चन आपका मैप में कई बार पूछा जाता है, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा घ। आपने मैप देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का, तो वहां पर सिडनी भी आपने देखा होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, वेयर इज द सिडनी लोकेटेड? तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं, अमेरिका ने जापान पर किस वर्ष परमाणु बम गिराया? तो 1914, 1942, 1945 या 1948। तो 1945 में जो है जापान के 2 शहर, एक नागासाकी, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा 2 शहर थे, इसके ऊपर जो है दोनों पे ही जो है बम गिराए जाते हैं, परमाणु बम, और इसमें बहुत सारे लोगों की जान जो है जाती है। ये परमाणु बम देखिए देशों के पास होता है, ठीक है, कई देश है जिसके पास परमाणु बम है, इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, इसमें अमेरिका है, इसमें इसराइल है, ठीक है, रसिया है, चीन है, तो और उत्तरी कोरिया हो गया, इनके पास जो है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, इनके पास परमाणु बम है। परमाणु बम ऐसा बम होता है जो मतलब सबसे विध्वंसक माना जाता है, सबसे खतरनाक माना जाता है। अगर उसने वो किसी जगह पे अगर मार दिया परमाणु बम, तो अभी तो नुकसान करेगा ही, मान लीजिए ये नुकसान क्यों है, मतलब ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, क्योंकि अभी तो ये ठीक है मारा इसने तुरंत नुकसान हुआ, लेकिन आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल तक इसका असर रहता है। कैसे रहता है? यहाँ की जो लोग पैदा होते, ठीक है, रेडिएशन जो है इसका बम का रेडिएशन जो है बहुत जाता है दूर तक, जिससे आने वाले जो जो पूर्वज होते हैं या आने वाले जो लोग होते हैं पैदा होने वाले, वो उनके अंदर काफी बीमारियां पहले से ही होती है, तो इसलिए बम वैसे ही नुकसानदायक होता है। बाकी नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में 2 बम, एक का नाम होता है लिटिल बॉय, एक का नाम होता है फैट मैन, इन 2 बमों के नाम है, इनको गिराया जाता है नागासाकी और हिरोशिमा में, इसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। आज भी जो है जापान जो है उस दिनों को याद करता है, और वहां पे जो है उस देश में मतलब एक माहौल छा जाता है कि इस समय जो हमारे लोगों की जान गई थी, और इसके लिए जो है जापान में एक बनाया भी गया जगह जहां पे उन दिनों को याद किया जाता है, उसमें आपको कई सारे
फोटोज दिख जाएंगी, आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे उस समय के लोगों के क्या हालत थी, ठीक है, कैसे बच्चे तक मारे गए थे, कैसी कैसी इमेज आई थी वहां से। इन विच ईयर अमेरिका ड्रॉप एटॉमिक बम ऑन जापान, तो 1945 ऑप्शन सी निकलकर आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो 1945 में ही वो खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20वां पूछा गया कि चीन किस महाद्वीप में है, तो मैंने बताया आपको कि टोटल 7 महाद्वीप है, जिसमें यहाँ पे 4 है आपके ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या एशिया। तो एशिया में आता है, भारत के ऊपर देखेंगे आप, नेपाल नेपाल के ऊपर देखेंगे आप, तो चीन आपको मिल जाएगा। मैप अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आपको मैप ज्यादा से ज्यादा देखना होगा। तो एशिया में जो है ऑप्शन जो घ है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में इसी को देखिए, इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया जो इज चाइना लोकेटेड, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, एशिया के अंदर जो है वो चाइना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ताइवान चीन से अलग होता है कब, आपसे पूछा गया है, आपके सामने ऑप्शन है 1980, 1970, 1949 या 1955। तो आपने देखा होगा इन न्यूज में भी जो है आज के समय के कुछ दिन हो गए, बहुत जो है इसके बारे में न्यूज था ताइवान के बारे में। ताइवान जो है एक अलग देश है, ठीक है, एक काफी जो है अलग देश की मान्यता दे रखी है उन्हें, ठीक है। तो चीन कहता है ये हमारा है ताइवान, ये जो क्षेत्र है ये हमारा है, लेकिन जो है ताइवान कहते हैं हम आपके साथ नहीं है। तो चीन जो है इससे कब जाना चाहता है, उसमें जो है ताइवान जो है स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन इससे अलग हो गया था वो 1949 में। राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन ग निकल कर आ जाएगा। ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है देशों के लिए या बहुत दुनिया के लिए एक तरह से, तो जो आप कहेंगे 90% जो वो रहता है, आप मोबाइल यूज करते हैं, आपने ग्रीन कलर का चिप देखा होगा, ठीक है, मोबाइल के अंदर हो, कंप्यूटर के अंदर हो, किसी भी सिस्टम के अंदर देखा होगा ग्रीन कलर के, जो ऐसे ऐसे ग्रीन कलर का रहता है, फिर उसके अंदर जो है बूंदे बूंदे से रहते हैं, आपने देखा हो। तो ये चीजें जो है ये ताइवान में ही बनाई जाती है, लगभग आप 80 से 90% कह लीजिए कि ताइवान में ही बनाया जाता है। अगर ताइवान जो है उसके हाथ आ गया तो इससे जो है एक तो वो अपनी मनमानी कर सकता है चीन, तो ये है एक आप कह सकते हैं। बाकी इंडिया ने इसका रास्ता ढूंढ भी लिया है, हमारा जो गुजरात है स्टेट वहां पे उन्होंने करीब जो है वहां से लोगों को बुलाया और 2 बिलियन का करीब जो है $2 बिलियन का उन्होंने इन्वेस्ट किया है, यहीं पे बनेगी। ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना, तो 1949 जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आप मैप में देख लेंगे ताइवान कहाँ पे, आपको और समझ में आ जाएगा चीन से क्या है उनका लेना देना, क्या इनके बीच जो है स्थिति है। तो ये हो जाएगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने 31 डिस्कस किए, और ये सभी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये सारे एमसीक्यू पता चल गए होंगे। इसके अलावा देखिए मैं अभी आपको इजी करा रहा हूँ क्वेश्चन, और इजी ये नहीं है कि इस ये कठिन है या ये बहुत इजी है, मैंने नॉर्मल रख रखा है, लेकिन आपको पेपर में जो क्वेश्चन दिखे जाएंगे वो इजी होंगे, लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है। जैसे पैटर्न में क्या होगा चेंज, क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे आपके, जैसे आपके जो है जैसे पहले क्वेश्चन को लेकर मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। मैं आने वाले पेपरों में कुछ वैसे ही क्वेश्चन आपको दूंगा कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये शहरी सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी, मतलब ऐसे करके आ जाए, तो उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें सही है, ऑप्शन आपके ए बी सी डी करके दे रखे होंगे। तो वैसे क्वेश्चन मैं भी आपको जरूर लाकर दिखाऊंगा। बाकी हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो सभी क्वेश्चन जो है तीन तीन नंबर के क्वेश्चन होंगे। जैसे सेक्शन बी यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन करना है कि लेखन कला आई तो क्या, आपको सेप लाइन से उसका वर्णन करना है कि किस किस तरह से उसका विकास हुआ, ठीक है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले वो जो है उसका बचपन के बारे में बताया जाता है, फिर उसके बाद जो स्कूल, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय, तो लाइन एक लाइन है ना बना हुआ कि पहले पैदा लिया, ये पहले जो है एक आप जन्म के 2 साल तक ये किया, फिर 2 से 3 साल, फिर 5 साल के बाद जो है पढ़ाई करी, फिर उसके बाद छठी क्लास, फिर 12वीं, ऐसे लाइन से हुआ। तो ऐसी लेखन कला का किस किस तरह से जो है विकास हुआ आपको बताना है। तो मेसोपोटामिया के लोग जो है मिट्टी की पट्टिकाओं पर जो है लिखा करते थे, चिकनी मिट्टी को आकार देकर जो है सुखा लिया जाता था, फिर उसके बाद जो लिखने वाली सतह होती थी उसको जो है और चिकना कर लेते थे वो, ठीक है, चिकनी बनाई जाती थी, फिर उसके ऊपर जो है सरकंडे की तीली की नोक से जो है पट्टी पर लिखा करते थे, और उस पट्टी को क्या है कि धूप में सुखा देते थे, और ये आप ये प्रक्रिया रहती है लेखन कला की, ठीक है। मतलब ये एक तरह से जो है मिट्टी की जो पट्टिकाई थी उनके ऊपर लिखा करते थे, उन्हें बाद में जो है
सुखा दिए जाते सुखा दिया जाता था, और हमें जो है इसके सबूत जो मिले हैं यहाँ पर खुदाई हुई तो बहुत सैकड़ों पट्टिकाएं मिली है। तो इस तरह से हमें लगता है कि इस तरह से इनका विकास हुआ हो। हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, अगर आप बहुत पुरानी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी के समय की हिस्ट्री क्या होता है, जो बीत गया उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वही इतिहास है। लेकिन अभी के समय के बारे में हमारे पास सबूत रहते हैं, लेकिन हम कब की पढ़ रहे हैं, सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में। तो उस समय इतना तो डेवलपमेंट था नहीं, इस चीजें थी नहीं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, जो चीजें हमें मिली उससे ही हम पता कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग आर्ट। द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया यूज टू राइट ऑन क्ले टेबलेट्स। द क्ले वॉज शेप्ड एंड डाइड। द राइटिंग सर्फेस वॉज मेड स्मूथ। इट वॉज रिटन ऑन द स्क्रिप्ट स्ट्रिप विद द टिप ऑफ अ रीड स्टिक। द बैंडेज यूज टू बी फॉर्म फिल्म आफ्टर डाइंग जो है ड्राइंग इन द सन। 100 ऑफ जो है हमें मिले हैं क्या यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे मिले हैं पट्टिकाएं, ठीक है। प्लेक्यूस हैव बीन फाउंड हेयर फ्रॉम द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसी में आपको अतवा देखने को मिलेगा, मारी नगर के बारे में बोला गया है कि एक प्रसिद्ध जो है व्यापारिक नगर था। आपको तर्क देकर बताना है, तो मारी नगर के बारे में बताना है कि किस प्रकार जो है प्रसिद्ध जो है व्यापारिक नगर था। तो मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर जो है स्थित था। यहाँ से लकड़ी, तांबा, जो रांगा, तेल, मदिरा आदि जो है माल फरात नदी से जो है तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के साथ जो है इनका व्यापार होता था। एक तो ये हो गया प्रसिद्ध व्यापारिक नगर के बारे में बात हुई, तो इनका व्यापार होता था तुर्की, सीरिया, लेबनान, इनसे क्या क्या चीजों का, लकड़ी, तांबा हो गया, रांगा हो गया, और तेल हो गया, या मदिरा हो गया, ठीक है, यानी शराब कह सकते हैं आप इसे। दक्षिणी नगरों को जाने वाले पोत जो पत्थर, चक्की, लकड़ी, शराब व तेल के पीपों से लदे होते थे, मारी में ही यहाँ पर आके रुकते थे। जो दक्षिण के जो नगर थे उनकी ओर जाते थे, तो जाते जाते आके बीच में मारी नगर में ही वो ठहरते थे, रुकते थे। लदे माल पर ये 10% जो है जो कर है वो वसूला करते थे, ठीक है। यह नगर उन तीनों दिनों जो है तांबे व टीन के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। कांसा औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, और मारी नगर व्यापार के लिए एक संपन्न और समृद्ध नगर था। आज भी देखेंगे, अगर मान लेते हैं दो सड़क है, ठीक है, हाईवे जा रहा है, सड़क जा रहा है, वहां पे पक्की सड़क है, तो जो उसके बगल बगल की जो होते हैं जमीन, तो जिस व्यक्ति का रहता है वो ज्यादा है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहीं पे देखेंगे ऐसे ही जो है देश रहते हैं, पूरा वर्ल्ड है, और वर्ल्ड में क्या है कि नदियों के थ्रू या महासागरों के थ्रू भी क्या होता है, व्यापार होता है दुनिया में। तो जिनका नदी नदी के पास है, उनका जो है जो जमीन है वो नदी से चिपका हुआ है, जैसे हम देखते हैं भारत है, ठीक है। भारत को अगर हम देखें तो भारत में आप देखेंगे यहाँ की तरफ क्या है कि पानी पानी है, ठीक है, समुद्र है, यहाँ पे हिंद महासागर है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे फायदा है भारत को क्या, एक तो व्यापार जो है कोई करेगा इस रास्ते तो कोई आके रुक सकता है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे रुकने का, तो इससे क्या होगा, कोई दूर जा रहा तो यहाँ पे जाके रुक सकता है वहां पे, तो इन्हीं को फायदा है। एक तो वो 10% कर, या ये रास्ता हो गया इनका, तो 10% कर भी वसूल सकते हैं। यहाँ पे रुके तो यहाँ पे उनको जो है बहुत सारी चीजों का फायदा ही फायदा होता है। तो इस तरह से कहा गया है कि मारी नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, तर्क देकर बताना था। इंग्लिश मीडियम में देखिए, मारी नगर वॉज अ फेमस ट्रेडिंग जो है सिटी। एक्सप्लेन विद द आर्गूमेंट्स, विद आर्गूमेंट्स। तो मारी नगर वॉज लोकेटेड एंड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर हेयर द गुड्स लाइक वुड, कॉपर, रांगा ऑयल, लिक्वर, एटीसी, ठीक है। यहाँ पे वर ट्रेडेड विद टर्की, सीरिया, लेबनान, एटीसी फ्रॉम द इरोफेत जो है यूफ्रेटिस, यूफ्रेटिस रिवर, ठीक है। शिप्स गोइंग टू द सॉर्थन सिटीज जो है विच वर लोकेटेड सॉरी लोडेड विद स्टोन्स, मिल स्टोन्स, वुड, वाइन एंड ऑयल केक्स यूज टू स्टॉप एट मारी। 10% टैक्स वॉज लेविड ऑन लोडेड गुड्स। द सिटी दिस सिटी वॉज फेमस फॉर द ट्रेड ऑफ कॉपर एंड टिन इन दोज डेज। ब्रॉन्ज वॉज यूज फॉर मेकिंग टूल्स। मारी नगर वॉज अ थ्रीविंग एंड प्रोस्पेरियस सिटी फॉर ट्रेड। तो ये आपके मारी नगर के बारे में है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। रोम साम्राज्य के बारे में पूछा गया क्वेश्चन कि रोम साम्राज्य सांस्कृतिक विभिन्नता का अनुपम मिश्रण था, इस कथन की विवेचना कीजिए। रोम साम्राज्य क्या था, सांस्कृतिक विभिन्नता का,
तो यहाँ पे देखिए हम धार्मिक संप्रदाय तथा स्थानीय देवी देवताओं में भरपूर जो है भरपूर विविधता हमें देखने को मिलती है। बोल चाल की जो भाषाएं थी वो कई सारी थी, वेशभूषा की जो शैलियां थी बहुत अलग अलग तरह की थी, तरह तरह के यहाँ पे भोजन थे, सामाजिक संगठनों के भिन्न भिन्न रूप थे और बस्तियों के अनेक रूप थे। तो ये क्या है कि रोम साम्राज्य की विभिन्नता का जो है सांस्कृतिक विभिन्नता का जो है अनुपम मिश्रण इस तरह से था। ठीक है, इनकी देखेंगे भाषाएं अलग थी, भाषाएं आप लिख दे यहाँ पे, जो है भोजन लिख सकते हैं आप, भोजन अलग था यहाँ पे, कपड़े यहाँ पे, या आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो इनकी पूजनीय देवी देवता आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देवी देवता। ठीक है, ये सब इनके बहुत सारे भिन्न भिन्न से थे। यहाँ पे आप देखेंगे जो कपड़े थे, वेशभूषा, ये सब इनके जो है बहुत अलग अलग थे, जिसे आज भी देखेंगे हम भारत को हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, सांस्कृतिक विभिन्नता का एक अनुपम मिश्रण है। किस तरह से यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तरह तरह के भोजन है, देवी देवताओं को भी यहाँ पे जो है जो इनमें भी विविधता हमें देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इंग्लिश मीडियम में द रोमन एम्पायर वॉज यूनिक जो है एमालगम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, डिस्कस द स्टेटमेंट। तो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स एंड लोकल जो है डेटीज, यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज स्पोकन, वेरियस स्टाइल ऑफ कॉस्ट्यूम्स, वेराइटी ऑफ फूड, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिलती है डायवर्सिटी। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। मंगोलों के इतिहास पर हमें विश्वास ना करें, इसके पीछे क्या क्या कारण दिए जा सकते हैं। जो मंगोल है उसके इतिहास पर जो पहले क्या होता था, राजा महाराजा जो है एक आप देखते होंगे जो है लिखने के लिए रखते थे अपने पास, जो लिखा करते थे सारी चीजें उनकी जो है, तो उनको ही हम पढ़ के जो है पता करते हैं कि इनके बारे में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप देखेंगे तो इसको क्या है कि राजा के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो मंगोलों के इतिहास पर विश्वास क्यों ना करें, तो इसके पीछे रीजन है। मंगोलों का जो इतिहास है वो एक तो खुद का रचित नहीं है, एक तो ये हो गया। जानकारी के स्रोत मुख्य क्या है, इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से। लेखक की यायावारी जीवन की जो जानकारी है वो पक्षतापूर्ण है, यानी इनके ऊपर भी जो है विभेद होता रहता है, यानी कोई सही बोलता है कोई गलत बोलता है। ठीक है, अनेक लेखक मंगोल आश्रय पर निर्भर, इसलिए उनका जो वर्णन है सहानुभूति पूर्ण रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मंगोलों के ऊपर जो है बहुतों का जीवन जो है निर्भर था। ठीक है, यानी आश्रय निर्भर था, इसीलिए उनको उन्होंने जो बताया हो, क्या पता उन्होंने सिर्फ सही सही चीजें ही बताई हो। अन्य ने उन्हें लुटेरा और नरसंहार करने वाला कहा। तो हमें जो है बहुत सारे ऐसे रीजन है जिससे हम मंगोल के जो इतिहास है उस पर विश्वास नहीं कर सकते। और आज के समय में भी जो है डिबेट होती रहती है कि कोई उन्हें क्रूर शासक कहता है तो कोई उन्हें सही कहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखे, व्हाट आर द रीजन फॉर नॉट बिलीविंग द हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। द रीजन फॉर दिस आर एज फॉलो, द मंगोल्स डू नॉट हैव अ सेल्फ कंपोज्ड हिस्ट्री, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेनली जो है क्रॉनिकल्स, ट्रेवलर्स जो ट्रेवलर होते थे वहां के डॉक्यूमेंट्स हो गए, एंड अर्बन जो राइटर्स थे उनसे बेस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इटिनरेंट लाइफ ऑफ राइटर्स। मैनी राइटर्स डिपेंड ऑन मंगोल शेल्टर, सो द डिस्क्रिप्शन वॉज सिंपैथेटिक, अदर्स कॉल हिम मर्डरर। ठीक है, मर्डरर, एंड जो है यहाँ पे मर्डरर आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पे इनको कहा जा रहा है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 24। 25 की तरफ आते हैं, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग जो था एक विशेष हैसियत रखता था। तो फ्रांसीसी समाज जो था उसमें अभिजात वर्ग था, वो एक विशेष हैसियत किस प्रकार से रखता था आपको बताना है, किस आधार पर आप कह सकते हैं। तो संपदा जो भी उनकी संपदा होती थी उस पर जो है स्थायी तौर पर जो है पूरा नियंत्रण रखा करते थे। सैन्य, इनकी सैन्य क्षमता भी होती थी, ये अपने सैनिक रखते थे और उसको बढ़ा भी सकते थे, खुद का इनका न्यायालय होते थे। ठीक है, अपनी मुद्रा जो है प्रचलित कर सकते थे, तथा अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होना, यानी जो भी उनकी भूमि पर बसता था उन सबके मालिक ये हुआ करते थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग था, एक विशेष हैसियत रखता था, उनके पास खुद का न्यायालय होगा, उनके पास जो है खुद के आप सिक्के कह ले यानी कॉइन, इसे आप मुद्रा कह सकते हैं, खुद की सैन्य, ठीक है, उन्हें बढ़ा भी सकते हैं, जो भी उनकी जमीन है उसके वो पूरे नियंत्रण करते थे। तो ये चीज है, इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो एक विशेष हैसियत रखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 25 को इंग्लिश मीडियम में देखें, ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट द एरिस्टोक्रेसी हैड अ स्पेशल
स्टेटस इन फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे फुल कंट्रोल ओवर सेक्स परमानेंटली, इंक्रीजिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी, बीइंग एबल टू सेट अप ओन्स ओन कोड, जो है कैलकुलेशन ऑफ जो है ओन करेंसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंड टू बी द ऑनर ऑफ ऑल द पीपल सेटल ऑन हिज लैंड। ये हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में 25 क्वेश्चन। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मध्यकालीन यूरोपीय जो समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा गया। तो मध्यकाल यूरोपीय समाज में, मध्यकाल जो है बीच के समय को बोला गया है। एक हिस्ट्री को भी तीन भागों में बांटा जाता है, एक तो आपका प्राचीन हिस्ट्री, ठीक है, एक प्राचीन हो गया, एक मध्य हो गया, ठीक है, और एक वर्तमान हो गया। इस तरह से बांटा जाता है, तो इनको भी बाद में तीन भागों में बांट जाता है, समझने के लिए किया जाता है ये। तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी? तो पारिवारिक निर्णयों में देखें तो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। जो भी परिवार में फैसले लिए जाते थे उसमें जो है महिलाओं की जो भागीदारी होती थी वो नहीं होती थी। कारोबार चलाने में महिलाओं की कोई राय नहीं ली जाती थी, और जो दहेज लिए जाते थे उनको कारोबार में भी लगाया जाता था। लेकिन वहीं पे व्यापारी जो महिलाएं थी उनकी स्थिति भिन्न रहा करती थी, वो भी जो है जो अमीर महिलाएं थी, ठीक है, जिनके पास बहुत सारा धन था तो उनकी स्थिति भिन्न तो होगी, जिसके पास पैसा है उसकी स्थिति भिन्न होती है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी। तो ना जो है नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन फैमिली डिसीजंस एंड जो है इन पब्लिक लाइफ, वुमेन हैव नो से इन रनिंग द बिजनेस ऑल थ्रू ड्रोवी, ठीक है, ड्रोवी वॉज यूज इन द जो बिजनेस, ठीक है, उनके द्वारा जो दहेज दिया जाता था, जो लड़की लेकर आती थी उनका यूज करते थे बिजनेस में। डिफरेंट स्टेटस ऑफ बिजनेस वुमेन, ठीक है, डिफरेंट स्टेटस रहता था जो बिजनेस वुमेन थी उनका। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार जो है करने के लिए मूल बासिंदों को किस प्रकार बेदखल किया गया। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वहां पर जो रहते थे लोग, वहां पे मूल बासिंदे वो होते जो पहले से रहे आ रहे उस जमीन पर। लेकिन अब जो आप अभी का अमेरिका देख रहे हैं वो थोड़ी नहीं कि वहां पे ये लोग पहले से रहा करते थे, ये सभी ब्रिटेन से आए हुए हैं, ठीक है, वहीं पे गए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, और यहीं पे धीरे धीरे इन्होंने रहना चालू किया, और धीरे धीरे क्या वहां के जो मूल बासिंदे थे इनको धीरे धीरे हटाना चालू किया, बेदखल करना चालू किया इन्हीं की जमीन से। जमीन की ये कम कीमत दिया करते थे तो और जमीन खरीद लिया जाता था, जमीन ज्यादा लेते थे पैसे कम दिया करते थे, उन्हें आलसी उनके द्वारा जो है कहा जाता था, उन्हें छोटे इलाके में कैद कर दिया गया, उन्हें असभ्य तक कहा जाता था। तो पैसे जो है पैसे से खरीद लेते थे, जो पैसे ना भी देना तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ अत्याचार करके वह जमीन हड़प ही लिया करते थे, और ये शब्द जैसे आलसी असभ्य जैसे शब्द यूज किया करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है उन्होंने जो है बेदखल करना चालू किया जो मूल बासिंदे थे उनको। डिस्कस हाउ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो है वर एविक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ एक्सपेंड इट्स जो है सेटलमेंट्स। Low land price were given, took more land, gave जो है less money. He was called lazy, confined them to small areas, and they were called जो है barbarians. ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। इसके अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा, जापान के बारे में पूछा गया है कि जापान में 1870 के दशक, दशक का मतलब होता है 1870 है तो उसके बाद जो है 80 था, ठीक है, इनके बीच में हुई है 1870 से 80 तक जो है, उसमें अपनाई गई नई विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया कि नई विद्यालय व्यवस्था के बारे में पूछा गया कि उसके बारे में बताइए। तो 1870 में क्या होता है कि लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना जो है अनिवार्य कर दिया जाता है। 1910 तक स्कूल जो है जाने से कोई वंचित नहीं रह पाता है, पढ़ाई की फीस बहुत कम होती है, शिक्षा मंत्रालय जो है पाठ्यचर्या पर किताबों का चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जो है नियंत्रण रखता था, किताबों में माता पिता के प्रति राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। तो यह है जापान में 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था के बारे में, ठीक है, सभी को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो 1910 तक आते आते जो है कोई स्कूल जाने से वंचित नहीं रहा, पढ़ाई की जो फीस थी बहुत कम थी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है उनके द्वारा सारी चीजों पर जो है रखा जाता था नियंत्रण, और किताबों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जैसे माता पिता का आदर करना, राष्ट्र के प्रति वफादारी रखना, अच्छा नागरिक कैसे बने, इन चीजों की जो शिक्षा है वो दी जाती थी, ठीक है, एक तरह से ये आप जो कह सकते हैं। मेंशन द न्यू स्कूल सिस्टम एडॉप्टेड इन जापान इन द 1970s। तो 1970s इट बिकम कंपल्सरी
for the boys and girls go to school. No one was deprived of going to school till 1910. ठीक है 1910 तक. The tuition fee were very less. The Ministry of Education controlled the selection of books on the curriculum and the training of teachers. Book were used to inspire loyalty to parents, nation and to be a good citizen. तो ये है जापान के बारे में, नई विद्यालय व्यवस्था के बारे में. तो ये आपका पार्ट वन यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 तक. फिर हम अगले सेक्शन को करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. ये आपका हिस्ट्री का पहला पार्ट था. दूसरा पार्ट भी आपको जल्दी करवा दिया जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. तो ये था आज का वीडियो. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.